वेलकम टू पायरेंट क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं एक चैप्टर रासायनिक बंधन, ये ऐसे तो 9th क्लास के केमिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं, परंतु 10th में भी इसकी शुरुआत कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसको ये चीज़ आपको काम कहाँ कहाँ करेगा, पॉलिटेक्निक हो, 9th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम हो, ITI हो, पारामेडिकल हो, इन सभी जगह पर इससे एक आध क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला जो प्रश्न है वो है कि संयोजकता को परिभाषित कीजिए, संयोजकता को परिभाषित कीजिए और संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। तो संयोजकता क्या होता है? तो सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड, ये साइंटिस्ट का नाम है, फ्रैंकलैंड ने सर्वप्रथम 1852 ईस्वी में संयोजकता शब्द का प्रयोग किया। तत्वों के परस्पर संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तत्वों को परस्पर संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के जितने अधिक परमाणुओं से संयोग कर सकता है उसकी संयोजन क्षमता उतनी ही अधिक मानी जाती है। यदि किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से संयोग नहीं करता है तो उसकी संयोजकता शून्य मानी जाएगी। अतः किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो सन 1916 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक कोसेल या GN लुईस ने परमाणु संरचना के ज्ञान के आधार पर कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में रासायनिक बंधनों को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार तत्वों के परमाणुओं की संयोजकता उनके इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत को संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होती है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहा जाता है। अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बहुत ही अस्थायी होता है। इन तत्वों की सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यह एक अस्थायी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था के कारण ही अक्रिय गैस तत्व निष्क्रिय होते हैं। आगे है हीलियम का जो है परमाणु क्रमांक 2 और इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2 होगा। नियॉन का 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2-8 होगा। आर्गन का 18 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका 2-8-8 होगा। क्रिप्टन का 36 होता है, तो इसका 2-8-18-8 होगा। जेनॉन का 54 होता है, तो 2-8-18-18-8 होगा। रेडॉन का 86 होता है, तो 2-8-18-32-18-8 होगा। तो जिन तत्वों के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं वे रासायनिक संयोग द्वारा अपने निकट के अक्रिय गैस तत्व की अस्थायी अष्टक संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। आगे कि तत्वों के परमाणुओं का संयोग 3 प्रकार से होता है। पहला कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु को इलेक्ट्रॉन ले या देकर जब कोई बंधन बनाते हैं तो उसे वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। दूसरा होता है कि दो समान या असमान परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है जिसे हम सहसंयोजकता कहते हैं। और एक होता है कि एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की एकांकी युग्म कि दो परमाणुओं के मध्य परस्पर साझेदारी करके उप सहसंयोजक बनाता है। अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन कि वैद्युत सहसंयोजक बंधन को उदाहरण सहित समझाइए। तो वैद्युत सहसंयोजक बंधन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उनमें से एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाता है तथा दूसरा परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। और इस प्रकार विपरीत आवेशित आयन स्थिर विद्युत बलों के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अतः विद्युत संयोजक बंधन को आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन भी कहा जाता है। विद्युत संयोजक बंधन के उदाहरण अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के मध्य जो बंध बनता है वो विद्युत संयोजक बंधन है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होता है
O1S2 2S2 2P6 3S1। वहीं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1S2 2S2 2P6 3S2 और 3P5। तो सोडियम परमाणु अस्थाई परमाणु संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कैल्शियम के दो इलेक्ट्रॉन त्यागने और क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, इसीलिए क्लोरीन दो परमाणु की जरूरत पड़ती है तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आगे की वैद्युत संयोजक यौगिक के गुण लिखें, ये पूछा जाता है आपसे। तो इसके गुण क्या हैं? तो पहला गुण है कि ये यौगिक जल में विलेय होते हैं, कार्बनिक विलयकों में, मतलब कार्बनिक यौगिकों में अविलेय होते हैं। दूसरा गुण है कि ये यौगिक सदा विद्युत अपघट्य होते हैं, इनको जल में घोलने पर धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं और इसी कारण इनका विद्युत अपघटन संभव होता है। तथा ये यौगिक अधिकांशतः अबाष्पशील रबेदार बनाते हैं तथा विद्युत संयोजन बंध अधिशात्मक होता है, जिसके कारण संयोजक यौगिक की कोई अनुसंरचना नहीं होती है। आयनिक यौगिक के गलनांक बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल जालक को तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इन यौगिकों के क्वथनांक भी उच्च होते हैं, क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। आगे है आयनिक पदार्थों के अणु नहीं होते, अतः इनका अणुभार भी क्या होता है, अणुभार भी नहीं होता और रासायनिक गणनाओं में आयनिक यौगिक के सरल सूत्र भार को ही उनका अणुभार मान लिया जाता है। वहीं गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में आयनिक यौगिक विद्युत चालक होते हैं, क्योंकि गलाने पर या जल में घोलने पर स्थिर वैद्युत बलों के छिन्न हो जाने के कारण वैद्युत संयोजक बंध टूट जाते हैं और आयन मुक्त हो जाते हैं। गलित या विलयन अवस्था में इनकी विद्युत चालकता मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। आगे है आयन को उदाहरण तथा इसके भेद सहित समझाइए। आयन विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फर आयन आदि। आयन सदैव किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने के फलस्वरूप बनते हैं, अतः आयनों में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती। आवेश की दृष्टि से आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो धन आयन धनावेश युक्त आयन को धन आयन कहते हैं, जैसे सोडियम आयन Na+, मैग्नीशियम आयन Mg++ आदि धन आयन है। तो सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर सोडियम आयन बनता है, जैसा कि यहाँ पे सबसे बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब ये सोडियम आयन बनता है। किसी परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से धन आयन बनता है, जैसे सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन बनाता है। धन आयन मुख्य रूप से धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 1, 2 एवं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें सुगमता से त्याग देते हैं। धन आयन या धन आवेश होता है, धन आयन पर धन आवेश होता है, क्योंकि इसके बनने में परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिससे परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाती है और इस पर धन आवेश आ जाता है। तो धन आयन बनने में परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जिससे नाभिक का आवेश अपेक्षाकृत बढ़ जाता है और वह इलेक्ट्रॉन को अधिक बल से आकर्षित करता है, जिसके कारण धन आयन का आकार मूल आकार से छोटा हो जाता है। अब ऋण आयन, ऋण आवेश युक्त आयन को ऋण आयन कहते हैं, जैसे क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन ऋण आयन है। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप ऋण आयन बनते हैं, जैसे क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्लोराइड आयन में बदल जाता है।
ऋण आयन में सामान्यतः परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋण आयन वे तत्व बनाते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋण आयन पर ऋणावेश इसलिए होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है और ऋण आयन का आकार संगत परमाणु से बड़ा होता है क्योंकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते होने के कारण नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की शक्ति अपेक्षाकृत कम हो जाती है और किसी आयन की संयोजकता उस पर स्थित आवेश के बराबर होती है। आगे सहसंयोजक बंधन का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा एक सहसंयोजक बनता है तो उसे हम एकल बंधन कहते हैं तथा दोनों परमाणुओं के मध्य एक डैश के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा दो सहसंयोजक बनते हैं तो इन्हें द्विबंध भी कहते हैं तथा दोनों परमाणुओं के मध्य दो समानांतर डैश लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जब दो परमाणुओं के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा तीन सहसंयोजक बंध बनते हैं तो इसे हम त्रिबंध भी कहते हैं तथा दोनों परमाणुओं के मध्य तीन समानांतर डैश द्वारा लगाकर प्रदर्शित करते हैं। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध में साझे में प्रयुक्त कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 4 और 6 होती है। साझे में प्रयुक्त सभी इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के अंग माने जाते हैं। आगे है सहसंयोजक बंधन के उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन अणु का बनना। तो हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक बनता है। हाइड्रोजन के परमाणु में एक तथा हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से हीलियम के परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम के परमाणु की अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। जब हाइड्रोजन के दो परमाणु रासायनिक संयोग के द्वारा हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं तो दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और इस प्रकार साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 होती है तथा ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के अंग माने जाते हैं और इस प्रकार हाइड्रोजन के दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है तथा ये हीलियम की अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लेती है। आगे है ऑक्सीजन अणु की उपस्थिति बंध। तो ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच एक द्विबंधन होता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु में नियॉन के एक परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु रासायनिक संयोग के द्वारा ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं तो दोनों परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तथा एक द्विबंध बनाते हैं। इस प्रकार दोनों परमाणु नियॉन की अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लेते हैं। आगे है नाइट्रोजन अणु की उपस्थिति। नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन दो परमाणुओं के बीच त्रिबंध बनाता है जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। आगे है कि सहसंयोजक यौगिक के लक्षण लिखिए। सहसंयोजक यौगिक के लक्षण। सहसंयोजक यौगिक के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, सहसंयोजक यौगिक के अणुओं के परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं लेकिन सहसंयोजक यौगिक के विभिन्न अणु एक दूसरे से इस प्रकार के बंधों से नहीं जुड़े रहते, अतः ये सहसंयोजक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। सहसंयोजक यौगिक प्रायः जल अन्य ध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलायकों में विलेय होता है। ध्रुवीय विलायकों में ये अभिलेय और अध्रुवीय विलायकों में विलेय होता है। यह विलयित या गलित हो जाने पर सहसंयोजक यौगिक साधारणतः आयनित नहीं होता। आयनित न होने के कारण गलित या विलयन की अवस्था में भी सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। आगे सहसंयोजक यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाओं में इनके अणु भाग लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को आणविक अभिक्रिया कहते हैं। आणविक अभिक्रिया की गति
आयनिक अभिक्रियाओं की गति से बहुत कम होती है। सहसंयुक्त यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाओं में साधारणतः इसके अणु आयनित नहीं होते हैं। आगे है, सहसंयोजक बंध की प्रकृति दिशात्मक होती है, अतः सहसंयोजक यौगिक के अणुओं की एक विशेष ज्यामितीय आकृति होती है। उदाहरण के लिए एसिटिलीन का अणु रेखीय, जल का अणु कोणीय होता है। आगे, उप सहसंयोजक बंध से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उप सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जब एक रासायनिक बंधन इस प्रकार बनता है कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएं, तो इस प्रकार के बंध को उप सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जिन यौगिकों में उप सहसंयोजक बंधन होते हैं उन्हें उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। साझे में इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं और दूसरे परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं। दाता परमाणु तथा ग्राही परमाणु के बीच का उप सहसंयोजक बंध दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि ए दाता परमाणु और बी ग्राही परमाणु हो तो उनके बीच उप सहसंयोजक बंध निम्न रूप से प्रदर्शित होगा, जैसा यहां दिखाया गया है। ठीक है कि ए से बी की ओर, मतलब दाता परमाणु ए और ग्राही परमाणु बी है। किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा बनाए गए उप सहसंयोजक बंधों की संख्या उस तत्व के उप सहसंयोजकता कहलाती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के अणु का बनना, तो सल्फर का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से संयुक्त होकर सल्फर डाइऑक्साइड का एक अणु बनाता है। ऑक्सीजन की सबसे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर का परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन साझा करती है और इलेक्ट्रॉन की दूसरी जोड़ी को ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु को दान कर देता है, परंतु इस इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहता है और इस प्रकार प्रत्येक परमाणु की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड का अणु बन जाता है। अतः सल्फर डाइऑक्साइड के अणु में सल्फर एक ऑक्सीजन परमाणु से सहसंयोजक द्वारा और दूसरे से उप सहसंयोजक द्वारा जुड़ा रहता है, संयुक्त रहता है। आगे लघुतरीय की संयोजकता किसे कहते हैं, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। संयोजी कोष किसे कहते हैं, ये भी हमने देखा था अभी। अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो अक्रिय गैसी जो इसकी अंत में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। रासायनिक बंधन से आप क्या समझते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। आयनिक बंधन क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम और क्लोरीन के मध्य के बंधन को, ये भी हम लोगों ने देखा। विद्युत संयोजक यौगिक से आप क्या समझते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। विद्युत संयोजकता क्या है, ये भी हम लोगों ने देखा है। आयनिक बंधन से बना यौगिक वाला आयनिक अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए, ये भी हम लोगों ने अभी अभी देखा। परमाणु किसे कहते हैं, तो ये पीछे के क्लासेस में थे। तो परमाणु किसी तत्व का छोटे से छोटा विद्युत उदासीन कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। रासायनिक क्रिया द्वारा परमाणु कहलाता है, जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोरीन ब्रोमीन ये सब परमाणु हैं। धनायन तथा ऋणायन को परिभाषित कीजिए, तो हम लोगों ने इसको देखा था। अब है परमाणु और आयन में अंतर बताइए, तो चलिए देखते हैं। परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है, ठीक है। परमाणु द्रव्य का मतलब तत्व का सूक्ष्मतम कण है और आयन क्या है, विद्युत आवेशित परमाणु को ही आयन कहते हैं। परमाणु विद्युता उदासीन होता है जबकि आयन धन आवेशित या ऋण आवेशित होता है। परमाणु आण्विक अभिक्रिया में भाग लेता है, आयन आयनिक अभिक्रिया में केवल भाग लेता है। अक्रियाशील गैसों के अतिरिक्त सभी परमाणु का विन्यास 2-8 अस्थायी होता है, वहीं आयनों का विन्यास अस्थायी होता है। परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, आयन यह स्वतंत्र रूप में विलयन में पाया जाता है।
आगे क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंधन के कोई दो उदाहरण दीजिए। हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बनाया था। सहसंयोजक यौगिक से आप क्या समझते हैं ये भी हम लोगों ने देखा। सहसंयोजकता क्या होता है ये भी हम लोगों ने देखा। आण्विक अभिक्रियाओं को समझाइए ये भी हम लोगों ने देखा। उप सहसंयोजक बंध को अर्ध ध्रुवीय बंध क्यों कहा जाता है तो चलिए देख लेते हैं। यदि किसी तत्व की उपसंयोजकता एक है तो उसकी विद्युत संयोजकता तथा सहसंयोजकता भी एक एक होगी, उसकी कुल संयोजकता दो होगी, और इस कारण उपसंयोजक बंधन को अर्ध ध्रुवीय बंध भी कहते हैं। यदि दो परमाणु ए और बी के मध्य एक उपसंयोजक बंध है तो ये दाता और बी ग्राही कहलाएगा और इसी को हम उपसंयोजक बंधन कहेंगे। यौगिक के बंधन सूत्र को समझाइए। तो यौगिक का बंधन सूत्र, किसी यौगिक के एक अणु में परमाणुओं के बीच बंधों को जिस सूत्र या संरचना के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे उस यौगिक का बंधन सूत्र या संरचना सूत्र कहते हैं। किसी यौगिक के एक अणु के सभी परमाणुओं के संकेत उसके बाह्यतम कोषों के इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के और साझे को जिस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे उस यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र को इलेक्ट्रॉनिक संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लीविस बिंदु संरचना कहा जाता है। आपका यहाँ पे बंधन सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालने के लिए दिया गया है। तो अब हम लोग अगले चैप्टर में इसके बाद देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। गुड लक दोस्तों, बने रहें। ये आपका रिवीजन चल रहा है 9th क्लास का, पॉलिटेक्निक का, आईटीआई एवं पारामेडिकल में ये सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे।